Welcome students. In today's class we will learn how to find the cube roots of perfect cube numbers. So let's start with the case number 1. When perfect cube ends with 1, 4, 5, 6, 9. तो इस कैटेगरी में इन सभी नंबर्स को क्यों रखा गया है? क्योंकि जब क्यूब रूट क्यूब नंबर कोई भी होता है, जब वो एंड होता है 1 पर, तो उसका क्यूब रूट में क्या आती है? यूनिट प्लेस डिजिट सेम होती है. 4 होगी तो 4 आएगा यूनिट प्लेस, और अगर 5 होगी तो 5, 6 होगी तो 6, और 9 होगी तो 9. इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है. तो एग्जांपल से शुरू करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ 1, 3, 2, 6, 5, 1. तो सबसे पहला काम है आपका इसको पेयर अप करना. तीन तीन डिजिट्स के हम पेयर करेंगे राइट हैंड साइड से. एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर. अब जितने पेयर होंगे उसके क्यूब रूट में कितनी उतनी ही डिजिट होंगी. इसमें दो पेयर बन रहे तो दो डिजिट होंगे. अब एंड किस पे हो रहा है? 1. तो क्या बताया मैंने, इस कैटेगरी में जिस पर नंबर एंड होता है उसकी क्यू उसमें उसके क्यूब रूट में क्या होती है? वही डिजिट सेम आती है. तो इस ये 1 पे एंड हो रहा है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? 1. अब तीन डिजिट्स को क्या करो? क्रॉस करो. अब 132 देखना है हमें किन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है. 132 इन दो 125 एंड 216 के बीच में एग्जिस्ट करता है. अब ये किसके क्यूब्स हैं? 5 और 6 के. तो आप हमेशा क्या देखेंगे? स्मॉलर वन कंसिडर करेंगे. 5 इज द स्मॉलर वन, तो 5 क्या आ जाएगा यहां पर? तो 51 इज द क्यूब रूट ऑफ 132651. एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं. 531441, इसका क्यूब रूट क्या होगा? एंड डिजिट क्या हो रही है? 1 पे. तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी? 1. देन तीन डिजिट्स को क्या करें? कैंसिल आउट. 531 देखो किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है. 531, 512 एंड 729 किसके क्यूब्स हैं? 8 और 9 के. स्मॉलर वन कौन सा है? 8. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 81. देन एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं. इसकी एंड डिजिट क्या है? 4. तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगी यूनिट प्लेस डिजिट? 4. अब तीन डिजिट्स को कैंसिल आउट करते हैं. 262 किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? 262, 216 एंड 343 किसका क्यूब्स हैं? 6 एंड 7, स्मॉलर वन इज 6. तो इसका आंसर क्या हो गया? 64. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 40584, देन ये भी क्या हो रही है? एंड डिजिट 4. तो इसके भी क्यूब रूट में क्या आएगा? 4. तीन डिजिट क्रॉस करो. 830 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 729 एंड 1000, स्मॉलर वन इज 9. देन 94 इज द आंसर. एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं. 857375 का क्यूब रूट क्या होगा? एंड डिजिट क्या है? 5. तो क्या आएगा यूनिट प्लेस में? 5. अब तीन डिजिट्स को करो क्रॉस. 857 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 857, 729 एंड 1000 किसके क्यूब्स हैं? 9 और 10 के. स्मॉलर वन इज 9. तो आंसर क्या हो गया आपका? 95. एग्जाम्पल 6 लेते हैं. इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 5. तो क्यूब रूट में क्या आएगा? 5. तीन डिजिट्स को क्रॉस करो. बाकी डिजिट्स कितनी बची? 42. 42 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 27 एंड 64 किसके क्यूब्स हैं? 3 एंड 4 के. स्मॉलर वन इज 3. तो आंसर आपका आ गया 35. एग्जाम्पल नंबर 7, 175616 का क्यूब रूट. एंड डिजिट क्या है? 6. एंड में क्या आएगा? 6. तीन डिजिट को कैंसिल करो. 175 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 125 एंड 216 किसके क्यूब्स हैं? 5 एंड 6. स्मॉलर वन इज 5. तो आंसर क्या आ गया आपका? 56. देन आते हैं एग्जांपल नंबर 8. एंड डिजिट क्या है? 9. तो यूनिट प्लेस में क्या होगा? 9. तीन डिजिट को कैंसिल करो. 205 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 125 एंड 216. 125 किसका क्यूब है? 5 का. स्मॉलर वन है. तो आंसर क्या आ गया आपका? 59. देन चलते हैं केस नंबर 2. व्हेन परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 2 एंड 8. जब कोई परफेक्ट क्यूब 2 और 8 पर एंड होता है तो उसकी यूनिट प्लेस क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. अगर क्यूब नंबर 2 पे एंड हो रहा है तो उसके क्यूब रूट में एंड डिजिट क्या आएगी? 8. और अगर 8 पर एंड हो रहा है तो क्यूब रूट की एंड डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी. तो एग्जाम्पल समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. 24872, इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो एंड डिजिट क्या है इसका? 2 है. तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगी? 8 आएगी. 2 है तो 8 आएगी एंड डिजिट. देन आते हैं
तीन नंबर को कैंसिल करते हैं, कितने बचे 54। अब 54 किसमें किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, 27 एंड 64 ये किसके क्यूब्स हैं, 3 एंड 4 के, आपको हमेशा क्या लेना होता है स्मॉलर वन, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 3, 38 विल बी द आंसर। देन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10th, 474552। अब इसके भी एंड डिजिट में क्या है 2, तो यूनिट प्लेस में यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। देन तीन डिजिट्स को कैंसिल करते हैं, 474 बचा, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है 343 एंड 512, किसके क्यूब्स हैं 7 एंड 8 के, स्मॉलर वन कंसीडर करते हैं हमेशा 7, तो 78। देन आते हैं एग्जांपल नंबर 1740608। अब इसके एंड डिजिट क्या हो रहा है, क्या है 8 है, तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगा 8 है तो 2 आएगी एंड डिजिट यूनिट प्लेस पे यहां पर। देन तीन डिजिट्स को कैंसिल करेंगे, 140 देखेंगे किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 125 एंड 216 के, किसके क्यूब्स हैं ये 5 और 6 के, स्मॉलर वन हमेशा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5। देन एग्जांपल नंबर 12th, 373248, सेम है एंड डिजिट 8 है, तो यूनिट प्लेस में यहाँ क्या होगी वो होगा, तो तीन डिजिट कैंसिल करेंगे, 373 चेक करेंगे कौन किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 373 343 एंड 512 के बीच में, इनके क्यूब्स हैं 7 एंड 8 के, और स्मॉलर वन क्या है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। देन आते हैं केस नंबर 3 पे, व्हेन परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 3 एंड 7, तो जो परफेक्ट क्यूब 3 और 7 पे एंड होते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आते हैं, अगर 3 पे एंड होगा तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा 7, अगर 7 पे होगा तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा 3, वाइस वर्सा। देन एग्जांपल लेते हैं 13, 50653, ये नंबर है एंड डिजिट क्या है 3, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस क्या होगी 3 है तो 7। देन तीन डिजिट क्या करते हैं कैंसिल, बचा क्या 50, अब 50 देखते हैं किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, 27 एंड 64, किसके क्यूब्स हैं 3 एंड 4 के, इसमें से स्मॉलर वन क्या है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं, 300763, एंड डिजिट क्या है 3, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 7, तीन डिजिट कैंसिल करते हैं, 300 चेक करते हैं किन दो डिजिट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, 216 343 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, किसके क्यूब्स हैं 6 और 7 के, स्मॉलर वन क्या है 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 67। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 148877, अब यहां पर एंड डिजिट क्या है 7, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी 3 होगी, अब तीन डिजिट कैंसिल करते हैं, 148 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 125 एंड 216 के, किसके क्यूब्स हैं 5 एंड 6 के, स्मॉलर वन इज 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 53। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।